बहुत ही मुश्किल से खात रही है मन का पप्पा। लग गया रे। लकड़ी लेके आता ना वो वाला अभी सुखाने के लिए दे रहा है मनोज के मामी, निकाल पैक लेके आ रहा है देखो पूरा नीचे से आ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोगों का और एक नया ब्लॉग के साथ। एक नया दिन शुरुआत हो चुका है, आज है थर्सडे, आज भी मेरा भी छुट्टी है और फिलहाल तो ब्लॉग शुरुआत हो रहा है 7 बजे से। और सुबह सुबह उठ के इतना थगड़ा धूप दे रहा है ना, पहली बार तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना धूप दे रहा है। यहाँ पे देखिए सूरज इतना बढ़िया करके आया है ना, अभी 7 बज चुका है और आज तगड़ा धूप देने वाला है दोस्तों, कुछ इस तरह का है। और मौसम देख लीजिए, पूरा वेदर देख लीजिए ऐसा है, आज वेदर बढ़िया है। तो डेली ब्लॉग मनोज का मामी स्टार्ट करते हैं ना, तो सोच रहा था मैं आज ब्लॉग को ही स्टार्ट करूं। मैं टाइटल और थंबनेल में देख के मालूम तो चल गया होगा हम लोग पहले लंच ही सोचो, एक तरह का लंच है मॉर्निंग में जो हम लोग खाना खाते हैं 8-9 बजे। फिलहाल तो मनोज का मामी लोग खा रहा है अंदर में खाना। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे लकड़ी ढूंढने, क्योंकि यहाँ पे 2 महीना से ज्यादा हो गया गैस नहीं मिल रहा था दोस्तों, और क्या क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं है। और बुकिंग करने के लिए बोला था गैस वालों ने, तो बुकिंग भी कर लिया है, बुकिंग करने के बाद बावजूद भी गैस नहीं मिलेगा बोल रहा था, तो इसके वजह से हम लोग का गैस खत्म होने वाला है। तो इसके वजह से पहले से लकड़ी ढूंढना पड़ेगा हम लोग को, और लकड़ी ढूंढने जाएंगे खाना खाने के बाद। और यहाँ पे देखिए ये लोग सुबह उठ के ही खाना खा रहा है, अभी 7 बजे खा रहा है। बप्पू भी खा रहा है, देखो गुड बॉय है बप्पू। क्या सब्जी से खा रहा है बाबा? एरा, एरा मतलब मनुष्य मीट से खा रहा है। और यहाँ पे मनत का मामी भी खा रहा है। क्या सब्जी मनत का मामी? बेम्बूसून मीट है ना, जंगली का मीट हम लोग काल लिया था वो वाला है। तो मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, क्योंकि सुबह उठ के मैं पानी पीता हूँ ना दोस्तों, तो इसकी वजह से मेरा पेट फूल रहता है, तो उसको थोड़ा खाली करना पड़ता है पानी को, तो उसके बाद ही मैं खाऊंगा। और खाना खाने के बाद जाएंगे लकड़ी ढूंढने, बापू को नीचे में छोड़ के जाएंगे उसका दीदी के पास, क्योंकि किधर भी जाते हैं ना हम लोग दोस्तों, तो बापू को कहीं ना कहीं सर के जाना पड़ता है नीचे में भैया के पास। उधर में खाना वाना खा लिया है दोस्तों, अभी रेडी होना है जंगल में जाने के लिए, लकड़ी लाने जाएंगे, गैस तो पूरा खत्म होने वाला है। और यहाँ मनोज का पप्पा रेडी हो रही है, जंगली ड्रेस ले रही है, और मुझे भी जंगली ड्रेस लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग रेडी हो चुका है दोस्तों जाने के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए, और यहाँ पे मनोज का भी जंगली ड्रेस लिया है पूरा देखो। और यहाँ पे हम लोगों ने लिया है पानी बोतल एक, और अपना दाऊ, दाऊ किधर है? और दाऊ है ये देखो। और यहाँ पे बप्पू भी रेडी हो चुका है। बोलो ओ, ये बप्पू एक्चुअली बोल रहा है हम मेरे लिए केकड़ा लेके आओ बोल रहा है, केकड़ा लेके आओ बाबा। और बापू रह जाएगा नीचे में, और बापू का बैग ले दो, चलो चलते है ना बाबा। और गांव का लाइफ कुछ इस तरह का लाइफ होता है दोस्तों। नीचे भी आ चुका है दोस्तों, और अभी बापू को यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे उसका बड़ा पापा के घर में। और इसका बेटी है देखो, हंस रहा है, देखो देखो कैसे हंस रहा है, पूरा क्यूट है। और यहाँ पे ये हम लोग का नाती लगते है दादू, मेरा बड़ी बहन का बेटी का बेटा है देखो, ददुआ है ये, ददुआ बातें खाना है बाबा, बातें खाना सब चीज। यहाँ पे देखिये वो हंस रहा है, और यहाँ पे मन के मम्मी। और अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पे ही, बापू को सुर के जाना पड़ेगा, क्योंकि किधर भी जाते हैं सुर के ही जाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है रहना बाबा, हाँ झगड़ा मत करना, हाँ दादू हाँ हाँ झगड़ा मत करना, हाँ ये बहुत शैतान है, ये बापू को मारते है, बापू को नहीं देखेगा तो पूरा 1 मिनट में 2-3 बार मारते है बापू को, इसको भी मारते है ना, हाँ इसको भी मारते है, ज्यादा मारते है, सबसे ज्यादा ये रहता है तेज देखो, दिखने में छोटा है लेकिन काम बड़ा है इसका। जाते जाते हम लोग आधे रास्ते पे यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिला है, बहुत बचपना याद आ गया ये देख के दोस्तों, इसको बोलते हैं सिंपू, देखो पूरा खेला दिया है इसमें। और ये रात को केला का पेड़ के नीचे ऐसे मतलब रख के आता है, फिर ये उड़ते है, उड़ने के बाद दोस्त को बुलाते है, फिर दूसरा और इसे वाला सिंपू आते है, तो आते उसको कलेक्ट करते है ना सुबह होके। क्या बोलते है, मैं भी बचपन से जब जुम में थे ना तब खाती हूँ इसे, आते है बहुत ज्यादा आते है, क्योंकि ये बुलाते है ना रात को, तो इसकी वजह से खाने के लिए उसका दोस्त आते है, तो सुबह उठ के उसको पकड़ना है खाली बस। ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये बहुत पका हुआ खाते है, हाँ
सब लड़का है। हाँ लड़का है। आजकल जमाने में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जो हम लोग छोटे छोटे थे ना बचपन में, बहुत ऐसे ऐसे ज्यादातर ऐसा केला का पेड़ देख रहे ना, उसका नीचे में रख के सो के आना है। बस सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा रोशनी हो जाएगा तो वो चला जाता है। हाँ। जो आता है ना उसमें खाने के लिए आता है, जो वो चला जाता है, तो इसकी वजह से सुबह उठ के देखना पड़ता है ना। जंगल में पहुंच गया है दोस्तों, और यहाँ से ही लकड़ी देखना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी है। देखो पेड़ तो बहुत है लेकिन बड़ा बड़ा था, ये तो लेके जा नहीं सकता है, तो छोटा छोटा पेड़ देखना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे मन्नत के मामी देखो, आज लकड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में तो लकड़ी लेके जाना ही है, क्योंकि अगर गैस खत्म हो गया तो खाना कहाँ पकाएंगे, तो इसको वो चिंता ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ से छोटा छोटा जो लकड़ी का को छोटा छोटा लाठी जो देख रहा है वो ही ले लेंगे, वहाँ से काटेंगे। देखो वो वहाँ पे बहुत सारा है मन्नत का। तो मन्नत का पापा नीचे से मेरे को लकड़ी काट काट के यहाँ दे रही है, और मैं वहाँ पे जमा कर रही हूँ। देखो इतना ही जमा हुआ है, बहुत ही मुश्किल से खात रही है मन्नत का पापा, बिल्कुल पहाड़ है। ओह पहाड़ के वजह से है ना दोस्तों, वो खात नहीं पाया है ना मन्नत का पापा, बहुत पहाड़ है, दूसरा लोग खात नहीं पाया है, इसके वजह से है लकड़ी। एक टोकरी से भी ज्यादा मिलेगा हम लोग को, और उस पार भी है, वो भी काटने के लिए जाएंगे। तो इस लकड़ी को और वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, इतना पहाड़ है ना, मुश्किल है। मन्नत का पापा जा रही है उस पार, फिर ये लकड़ी को वहाँ पे रख के मैं भी जाऊंगा उस पार। तो नीचे से लकड़ी को यहाँ पे रख दिया है दोस्तों, अभी इसको मेन रास्ते में रख के आना पड़ेगा, फिर उस पर जाएंगे। वहाँ पे रास्ता है हम लोग को मालूम नहीं है, मन्नत का पप्पा बोल रहे हो। लकड़ी खात के आई हूँ इस पर, अभी यहाँ मन्नत का पप्पा बहुत ही जमा किया है, अभी खात रही है वो, देखो कितना जमा किया है। और अच्छा अच्छा लकड़ी है। तो हम लोगों ने इतना जमा कर लिया, देखो हो जाएगा एक टोकरी आराम से हो जाएगा, और मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, और पूरा पसीना निकल गया मेरा देखो। हाँ बहुत गर्मी है गाइस, पानी पीना पड़ेगा। हाँ बहुत मच्छर है ना, बहुत ही मच्छर ज़्यादा है। और ये पूरा होने के बाद हम लोग को ढूंढना है बेम्बू सूट, जहाँ भी जाए हम लोग जंगल में जाओ बेम्बू सूट तो पक्का याद रहते हैं। और इतना मुश्किल से मैं यहाँ से खाट रहा था ना, बहुत मुश्किल है देखो, वहाँ पे बहुत सारा है, मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं यहाँ से इतना मुश्किल से काट रहा था। और ज़्यादातर यहाँ पे 90% लोग जो है, खाली 10% लोग शायद ऐसे होगा गैस में खाना बनाते हैं, 90% लोग ऐसे ही फायरवुड में बनाते हैं, मतलब लकड़ी से बनाते हैं। तो इसके बाद इसे लकड़ी ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल। हाँ, गैस तो मिला है फ्री में, सब लोग बेच दिया है। बेच क्यों नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि अभी गैस का भाव आप लोग को सुनने में आया, अभी तक तो आया नहीं गैस, दो महीना ऐसे हो गया, इस महीने में 2000 में लेना पड़ेगा बोला था गैस, तो इसकी वजह से कौन ले सकता है, एक मतलब आम आदमी कोई 2000 अफोर्ड कर सकता है क्या? इसे गांव में रहते हैं तो 2000 अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, 2000 रुपये होगा तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप लोग का उधर में 2000 होगा तो 200 रुपया है, हम लोग का इधर में 2000 होगा तो 2 लाख रुपया है, तो इसके वजह से अफोर्ड कर नहीं पाता, इसके वजह से पूरा बेच दिया है। जो उजाला योजना मिला था ना फ्री में, पहले में तो फ्री में दिया था, उसके बाद 1000 में 1200 में दे रहा था, उसके बाद ऐसे ऐसे जाते 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 1500 1600, अभी 2000 तक पहुँच गया है। इतना गैस का बहुत महंगा है ना दोस्तों, आप लोग का उधर में कितना है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे मिजोरम में, आप लोगों को भी मालूम चले एक गैस का भाव 2000 तक अभी तक पहुँच गया है, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक 2000 हम लोग अभी तक लिया नहीं, इस सुनने में आया है इस महीने 2000 होगा बोला था, उससे आगे में हम लोग कितना में 1350 350 रुपीज़ में हम लोग लिया था उससे आगे में, और इससे 2 मंथ के आगे में, अभी 2 मंथ बीत गया, अभी गैस नहीं दे रहा, तो यही हालत हो गया हम लोग का। 2000 होने से भी अभी नहीं मिल रहा है। हाँ 2000 में से भी अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक अंडा का भाव आप लोग को मालूम नहीं होगा, जो वहाँ पे पाम अंडा आते हैं ना, 15 रुपया है मेरा गाँव में, वो भी नहीं मिल रहा है 15 रुपया में एक अंडा का। अभी काफ़ी दिन से बापू भी अंडा मांगता है ही नहीं, अंडा में 15 रुपया में नहीं मिल रहा है,
ऐसा भाव हो गया देखो पे एक 20 रुपया बोला है दुकानदार ने। वहाँ पे मेन जहाँ पे माल लेके आते हैं ना वहाँ से एक 15 रुपया वहाँ से लेके आएगा तो कौन 20 रुपया एक अंडा खरीदेगा बोला है, इसीलिए नहीं लेके आया है। और बहुत सारा बातें बोल लिया है दोस्तों, अभी पानी पियेंगे, इतना प्यास लग रहा है ना। आ जाओ मन का मम्मी पानी पी लेते, मच्छर भी पूरा मच्छर देख रहा है। और अभी बेम्बूसूद भी लेके जाएंगे। अभी मन्नत का मामी टोकरी के अंदर दाल दे रहा है, पूरा टोकरी भर के लेगा तो मेरे को भी कुछ लेना पड़ेगा देखो। और जो भी रह जाएगा ना टोकरी में डालने के बाद जो भी रह जाएगा यहाँ पे ही छोड़ के जाएंगे, बाद में जाएंगे। हाँ लेके जाएंगे। बहुत ही मच्छर काटते हैं यार, काट रहा है ना। मेरा टोकरी तो भर गया है दोस्तों, अभी मन्नत का पापा यहाँ मिलोनी फादा से लकड़ी बन रही है, वो भी लेके जाएगा। ये क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना, हम लोग का लैंग्वेज में कहते हैं मिलोनी फादा। ये बहुत ही काम आता है ना जंगल में जाएगा तो। रस्सी रस्सी जंगल का रस्सी दोस्तों। तो इस रस्सी से नहीं हुआ है और दूसरा रस्सी लेके आया है। तो बांध लिया है फाइनली, अभी ढूंढेंगे बेम्बूसूद। चलो अभी बेम्बूसूद ढूंढते हैं। तो इतना अच्छा अच्छा बेम्बूसूद दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, एक देखी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया बढ़िया बेम्बूसूद है ना देखो, ये पूरा टेस्टी होता है। ये देखिए यहाँ पे एक पूरा काला वाला है देखो, हाँ इतना मिला है मेरे को। तो फाइनली बेम्बूसूद भी ढूंढ लिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इतना सारा बेम्बूसूद मिला है, बहुत अच्छा अच्छा। ये बहुत टेस्टी होता है ना मन का, हमें ये छोटा छोटा वाला, बड़ा बड़ा वाला लाया है लेकिन बड़ा वाला नहीं लिया है हम लोगों ने। और जाने के टाइम में और थोड़ा लेके जाएंगे मिलेगा तो, क्योंकि भैया का भैया को भी देखे जाएंगे। बेम्बूसूद भी रख दिया है टोकरी के अंदर, और यहाँ पे ये मैं अभी ले लूँगा क्योंकि ये चढ़ने में पहाड़ है ना मुश्किल है, तो इसकी वजह से ये लेके जाऊँगा। जब रास्ते में मेन रास्ते में जाएगा मन्नत का मामी लेगा, तो ये वाला अभी मन्नत का ये वाला और ये वाला ले लेगा। चलो अभी चलते हैं ना, और ये लेके जाना है मेरे को। बहुत वेट होगा दोस्तों क्योंकि बिगा है, पूरा बिग गया है, गीला है पूरा। फाइनली बोक लिया है देखो दोस्तों, और बहुत मुश्किल है और इतना डर दे रहा है ना, बहुत वेट है। आ जाओ मन्नत का मामी। तो अभी जा रहे हैं, दाऊ दोनों लेके आना, एक बहन का उधर से लेके आता दाऊ। ए कहाँ रख, लग गया रे देखो, मुश्किल हो रहा है, मेरा हाइट कम है उसके वजह से। हो गया क्या यार, क्या जिंदगी है, लग जाता है रे, नहीं होगा, लग गया। बहुत मुश्किल से लेके जा रहा हूँ गाइस, ये देखिए, यहाँ पे देखिए इतना वेट ज्यादा है ना। तो मेन रास्ते में अभी पहुंचेंगे, ओ भाई डायरेक्ट जाऊंगा मन्नत का मामी आस्ते करके आएगा। तो वहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे रख दिया है देखो, इतना वेट ज़्यादा है ना, और रस्सी भी इतना छोटा है, रस्सी टूट जाएगा जैसे लगता है। और मन्नत का मामी अभी भी नहीं आया, वहाँ से आ रहा है। ओ भाई जान निकल गया मेरा, जिंदगी क्या करे। ओ अभी मन्नत का मामी आ रहा है देखो, जिंदगी फिनिश बोल रहा है, खत्म हो गया जिंदगी। रेस्ट करो देखो, पसीना देखो इसका भी देखो जिंदगी फिनिश बोल रहा है। तो ऐसा जिंदगी हम लोग मतलब जीना नहीं चाहते दोस्तों, और थोड़ा मतलब राहत मिलने से ठीक था, बहुत मुश्किल है आप लोग, इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। सोच भी नहीं सकते आप लोग गांव में किस तरह सा लाइफ जिया जाता है,
किस तरह से जीते हैं लोग, ये तो थोड़ा मोड़ा है हम लोग जो ऐसे सब्जी वगैरह, हाँ एक दिन है, और बाकी जो लोगों का है वो डेली लाइफ है, वो डेली लाइफ है जो आप लोग के लिए एडवांसर है ना, वो हम लोग के लिए बहुत डेली लाइफ कॉमन है, डेली लाइफ जीते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही रेस कर लिया है, अभी जाएंगे घर, और यहाँ पे हम लोग का साथ साथ ये भी कहाँ जाता है लारू, देखो हम लोग का लारू जहाँ भी जाता है हम लोग का साथ साथ, इतना हम लोग का बेटा मानते हैं इसको, है ना, ये तो हाँ बापू को दादा बुला, हाँ बापू को दादा बुलाओ बोलता हूँ मैं, भैया बुलाओ बापू को, लारू 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 हम लोग का लारू जहाँ भी जाते हैं साथ में जाते हैं, देखो चलो अभी जाएंगे, चलो लारू अभी जा रहे हैं हम लोग। और मनोज के मामी थोड़ा देर ले लिया है, उसने बोला तो मैंने बोला मत लो, और बोला मैं थोड़ा देर लेके जाता हूँ, और बाद में वहाँ पे जाने के बाद, और अभी बहुत दूर है गांव से, और वहाँ से ले लूँगा मैं। तो अभी पहुँच चुका है पानी टैंक में, जो गांव में पानी यहाँ से पीते हैं ना, जब पाइप में नहीं आता है तो यहाँ से, पहले जब पाइप नहीं, पाइप का लाइन नहीं था, यहाँ से पीना पड़ता, यहाँ से ही पानी लेके जाना पड़ता हम लोग का, ऐसा पूरा पहाड़ चढ़ के। और यहाँ पे देखिए ये मैं लेके आया है, मन के हमें आधे रास्ते तक लेके आया था, तो अभी मैं लेके आया है यहाँ पे रख गया, और मैं घर तक ये लेके जाऊँगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मन के हमें बेम्बू सूट को क्लीन कर रहा है, देखो कितना अच्छा अच्छा बेम्बू सूट, काला काला है सब, देखो इतना देर तक मैंने पानी के अंदर रखा ना, पूरा ठंडा है पानी, पूरा शरीर ठंडा हो गया था, इतना गर्मी था, पूरा ऐसे पूरा सिर के अंदर घुस जाता है ये रस्सी जो है, ऐसा लग रहा है पूरा सिर के अंदर ही घुस गया है, इतना छोटा है ना, देखो बहुत वजन ज़्यादा है। तो नहा भी लिया है, बेम्बू सूट का सिल्का भी निकाल दिया है, और वहाँ पे मन्नत का मामी ले रहा है अभी, अभी यहाँ पे देखो नहाने के लिए आया, कपड़ा धोने के लिए, ये देखो नाम क्या है इसका, हिनांग मिले वो, हाँ नूनू ये बोल रहा है, इसका नाम नूनू है, नूनू 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 हंस रहा है। और इसका नाम क्या है, और अभी जाएंगे। तो पहुंच गया है घर में, और यहाँ पे देखिए जो बकरी लेके आता ना वो वाला अभी सुखाने के लिए दे रहा है, मन्नत के मामी निकाल रहा है, और बापू को एक्चुअली हम लोग जहाँ पे सुरके गया था ना भैया का घर में, उस तरफ करके नहीं आया, थोड़ा इस तरफ शॉर्टकट से आया है, क्योंकि बहुत वेट था ना, तो इसकी वजह से शॉर्टकट मारा है। अभी नहाएंगे यहाँ पे, और साबुन से, और नहाने के बाद ड्रेस करने के बाद बापू को लेने के लिए जाएंगे नीचे में दोस्तों। घर में नहा भी लिया है दोस्तों, और जो लकड़ी हम लोग लेके आता है यहाँ पे सुखाने के लिए दिया है, देखो सुखाने के लिए दिया है तो थोड़ा दिखता है देखो, और अभी मैं लेके लेने के लिए जाऊंगा बापू को नीचे में, क्योंकि बापू का सोने के टाइम आ चुका है, और मन्नत का मामी भी नहा लिया है, और वो अभी बेम्बू सूट वगैरह अभी मतलब छोटा छोटा पीस कर रहा है अभी। तो बापू को मैं नीचे में लेने जाने वाला था, वो आ रहा है बापू, और यहाँ पे देखिए बापू आ रहा है, पूरा बैग लेके आ रहा है, देखो पूरा नीचे से आ गया, बहुत मुश्किल आने में ये आता है पूरा आराम से, देखो और पूरा इसका नीचे से आ गया है बापू, बापू बापू देखो पूरा पसीना निकल गया, नाना पड़ेगा, नाने का पूरा बैग एक है, इधर देखो बाबा क्या है, वो क्या है लिया है, हाँ दुकान से लिया है, क्या है वो, किराए दो नहीं पकड़, आजा चलो बाबा, आराम से आ रहा था ये पूरा, इसको लेने के लिए जा रहा था ना मैं, इतना देर से चल के आ रहा था बापू, तो अभी भूखा है मैंने देखो, अरे भूख के लेके जा रहा अभी यहाँ से जाने के बाद नहाना है बाबा, हाँ फिर सोना है, हाँ आराम से झूला में, हाँ अभी आ गया हम लोग इस तरफ आ गया है, तो पहुँच गया है घर में दोस्तों। हाँ और यहाँ पे देखो बापू आते आते पूछता है, बापा मम्मी आया है क्या, तो मैंने बोला हाँ आया है मम्मी, अभी मम्मी को ढूंढ रहा है देखो। 2:10 में मैं जागा हूँ, और बापू को सुलाने के बाद मैं भी सो गई थी, कुछ भी मालूम भी नहीं है, यहाँ इतना बारिश दिया है दोस्तों, कपड़ा भी बिक गए हैं और लकड़ी भी बिक गई है, और मन्नत का पापा विधवा व्रत करने के बाद कहाँ गए मालूम नहीं है, फोन में चार्ज में मिला था, और इतना साउंड किया है ना, इतना साउंड किया, डर के मारे में बाहर भी आ नहीं पाया, और बापू भी इतना रोया है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ब्लॉग को, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जब भी हम लोग वीडियो डालें तुरंत आप लोग को पसंद नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।